सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए, और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है और राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटियों से बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता। फ्रेंड्स, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको वो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये नाश्ता पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई रोटियों से नाश्ता, एक बहुत ही बेहतरीन नाश्ता जो कि मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। ये मैंने 4 रोटियाँ ले ली हैं, ये बची हुई रोटियाँ हैं। आप चाहें तो इनकी जगह ताज़ा रोटियाँ भी ले सकते हैं। आप इस नाश्ते को लंच बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेती हूँ, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको इस तरह से, और इस मिक्सी जार में डालती जाती हूँ। और तोड़ने के बाद में मैं इनको हल्का सा मोटा मोटा दरदरा सा इनको पीस लेती हूँ। ये मैं सारी रोटियों को इस तरह से तोड़ लूँगी, ये मैंने दिखा दिया आपको, इस तरह से तोड़ लूँगी और फिर मैं इनको थोड़ा सा दरदरा पीस लूँगी। अब देखिए, मैंने इस तरह से इन रोटियों को थोड़ा सा घुमा के इस तरह से छोटे मोटे मोटे से ये पीस कर लिए हैं इनको। इस तरह से मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल देती हूँ और फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। अब मैंने ये पैन ले लिया है, पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल ले लिया है, कुकिंग ऑयल, और इसमें मैं डालती हूँ 1/2 TSP जीरा। अब जीरा भुन गया है, अब मैं डालती हूँ इसमें एक छोटी प्याज। ये एक छोटी प्याज डाल दी है मैंने, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम है और इस प्याज को मैं भून लेती हूँ। अब मैंने एक बड़े आलू को छील के काट लिया और इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब बना लिए उसके, जिससे ये आलू जल्दी से गल सके, तो ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको भी मैं पका लेती हूँ। और इस आलू को मैं 2 मिनट इसी तरह से ढक के लो फ्लेम पे पका लेती हूँ, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको अभी पका लेती हूँ। अब मैंने आलू को भी ढक के थोड़ी देर पका लिया है इस तरह से। अब मैं इसमें आधी सी गाजर को मैंने काटा है, इस गाजर को भी आलू के साथ ही पका लेती हूँ, क्योंकि गाजर में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए इसको भी इसी में पका लेती हूँ। आप सब्जी अपने स्वाद के अनुसार जो आप खाते हो वो डालें, जो आप नहीं खाते हो वो ना डालें। तो मैंने इसमें 2-3 सब्जियों का यूज किया है। आप जिस सब्जी को पसंद ना करते हो उस सब्जी को हटा दें। अभी मैं इसमें थोड़ा अच्छा कलर करने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम हल्दी डाल दी मैंने, 1/4 टीस्पून, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा लगे देखने में। अब ये गाजर भी मेरी हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश मटर, ये थोड़ा सा ही मैंने फ्रेश मटर ले लिया है। आप इसमें फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं। ये मटर भी मैं इसी में डाल के पका लेती हूँ थोड़ी देर। अब मैं इसमें बाकी की सब्जियाँ भी डाल देती हूँ जो अच्छी तरह से पक जाएं। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी, आधी से थोड़ी ज़्यादा शिमला मिर्च ली है। और ये टमाटर, टमाटर को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया और शिमला मिर्च को भी, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं। अब मैं इनमें नमक डाल के इसको थोड़ी देर पका लेती हूँ, जिससे ये सारी सब्जियाँ जल्दी से कुक हो जाएं। तो मैं थोड़ा इसके टेस्ट के हिसाब से इसमें 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दूंगी मैं। बस मैं इस टाइम इस सब्जियों का ही नमक डालूंगी, रोटियों का नमक अभी से मैं नहीं डालूंगी। तो मैं इस सब्जी के हिसाब से ही थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। ये मैं 1/2 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल दिया और इसको ढक के पका लेती हूँ, जिससे ये सब्जियाँ अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरह से कुक हो जाएँ। और इसमें मैं अभी थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ, ये 1/2 टीस्पून ही मैं रेड चिली डाल रही हूँ, जिससे ये सारी चीज़ अब अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इनको ढक के थोड़ी देर पका लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जियों को अच्छी तरह से कुक कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी डालती हूँ 1 चुटकी हींग, ये 1 पिंच हींग डाल देती हूँ मैं। हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ, जिससे ये आलू वगैरह डलें इसमें तो हींग से अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने इसमें हींग का यूज किया है। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें मैगी मसाला। आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो बिल्कुल ना डालें, ये ऑप्शनल है, ये टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ।
और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इनको सब्जियों को अच्छी तरह से कुक कर लेती हूँ। इसमें 2 टीस्पून के बराबर मैं इसमें पानी डालूंगी और इनको अब मैं ढक के 2 मिनट बिल्कुल अच्छे से सारी सब्जियों को गलने तक इनको पका लूंगी अच्छे से, और फिर पकाने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये मैंने आपके सामने पानी भी डाल दिया और इनमें सब्जी डाल दी, अब मैं 2 मिनट ढकने के बाद बिल्कुल पकाने के बाद आपको दिखाऊंगी। अब मैं देख लेती हूँ मेरी सभी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुकी हैं बिल्कुल बढ़िया तरह से। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से सारी सब्जियाँ पक चुकी हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ अभी हरा धनिया, जिससे हरा धनिया भी अच्छे से पक जाए इसमें। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें और इसको भी थोड़ी देर ये इसके साथ पक जाएगा, जिससे इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें। अब हरे धनिए के बाद ही मैंने इसमें ये 1/2 कप पोहे लिए थे, इनको धो लिया था और 5 मिनट धोने के बाद में इनको मैंने इस तरह से ये फूल गए हैं, जैसे हम पोहे बनाते हैं उसी तरह से मैंने धो के इनको 1/2 कप को इसमें अच्छा सा रोटियों के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट करने के लिए मैंने 1/2 कप पोहे इसमें यूज किए हैं। तो 1/2 कप ये धुले हुए और फूले हुए पोहे मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, जिससे इनका स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाए, बहुत ही बेहतरीन, जिससे इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत खुश होकर खाएं। तो इसको भी मैंने ये थोड़ा सा इसमें मिला दिया और थोड़ी देर इनको भी पका लेती हूँ, जिससे इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन हो जाए और बच्चों को पता भी ना चले कि वो रोटियों का नाश्ता कर रहे हैं। इस तरह से इसमें सब्जियों का और पोहे का सबका इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब सारी चीज़ को मैंने अच्छे से पका लिया है, अब मैं इसमें डालती हूँ ये मेरी रोटियाँ। रोटियों को मैं इसमें इस तरह से ये सारी रोटियाँ डाल देती हूँ मैं, और इनको मैं थोड़ी देर मिला के पकाती हूँ। पहले तो मैं इसमें हल्का सा नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें उस सब्जियों का नमक डाला था, तो थोड़ा नमक और मुझे डालने की ज़रूरत पड़ेगी हल्का सा, जिससे कि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए, क्योंकि रोटियों में थोड़ा कम नमक हुआ तो बेकार लगेगा, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ, जिससे इसमें अच्छे से सारा इक्वल नमक हो जाए। तो मैं ये इसमें 1/4 टीस्पून और नमक यूज कर रही हूँ, और हल्का सा मैं इसमें पानी का यूज करूंगी। अब मैं इसमें 2 टीस्पून के बराबर पानी और डालूंगी छींटे मार के, इस तरह से जिससे इस इन रोटियों में मॉइस्चर आ जाए अच्छे से, बस इस तरह से इतना ही डालूंगी, उससे ज़्यादा नहीं डालूंगी, जिससे ये आराम से मॉइस्चर में बिल्कुल अच्छी तरह से रोटी पक जाए। तो अब मैं इसको 2 मिनट ढक के अच्छे से पका लेती हूँ और इसके बाद मेरी रेसिपी तैयार है। तो फ्रेंड्स 2 मिनट बाद फिर से दिखाऊंगी मैं आपको, ये ढक दिया, अब ये नाश्ता बनके तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना है, और देख सकते हैं आप देखने में भी कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे करती हूँ सर्व, और फिर करके सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया बाउल और इसमें मैं सर्व करके आपको दिखा देती हूँ। अब फ्रेंड्स मेरा बची हुई रोटियों का नाश्ता बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स दूसरी वीडियो लेके फिर से हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।